किसी भी ब्लॉग या फिर वेबसाइट को शुरुआती टाइम में रन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआती टाइम में आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से अर्न नहीं कर पाते। अगर आप अर्निंग करती भी हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और इस कंडीशन पर आपको वेबसाइट को रन करना होता है, आपको होस्टिंग को परचेज करना होता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। बट आज की आप इस वीडियो को हमारी लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड क्लाउड होस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिस पर आपकी जो मंथली कॉस्ट होगी वह होगी सिर्फ और सिर्फ 41 रुपये। मैंने यहाँ पर कुछ बेहतरीन और सॉलिड फीचर्स निकाले हुए हैं, तो आप बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, तो इस प्लेटफॉर्म का नेम है hostphizia.com। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही सिंपल सा एक इंटरफेस देखने मिल जाता है, द लीडिंग क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर। आज की डेट में क्लाउड होस्टिंग में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। स्क्रॉल करें अगर हम, तो यहाँ पर इनके कुछ मेन हाइलाइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि 99.9% अप टाइम गारंटी। जी हाँ, इसकी मैंने सबसे पहले एक रिपोर्ट निकाली, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको होस्ट फीजिया की अप टाइम रिपोर्ट मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिल जाते हैं फीजिया क्लाउड सर्वर, होस्ट फीजिया वेबसाइट और पांडा क्लाउड सर्वर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट वाइज आपको रिपोर्ट्स देखने मिल जाती हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक भी दी है, तो आप डिटेल में इसे और ज़्यादा चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सेफ एंड सिक्योर, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्रोटेक्शन भी मिलता है, मलेशियस वायरस और जो स्पैमर्स होते हैं मोस्टली होस्टिंग में अगर एक बार एंटर हो गए तो वहाँ पर हमारे सारे ही डेटा को करप्ट कर देते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनका जो है डेडिकेटेड सपोर्ट। कुछ टाइम पहले मैंने इसे यूज़ करके देखा है, तो इनका जो सपोर्ट है वह भी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। स्क्रॉल करें अगर हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके फीचर्स। सबसे पहला है SSD, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर SSD को यूज़ किया गया है। जैसा कि आपको भी जानकारी है, जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होती हैं SSD, तो यहाँ पर आपको टोटली SSD क्लाउड स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट स्टार्टर किट है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से ड्रैग इन ड्रॉप करके वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे 300+ फ्री स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाती हैं। पावर्ड बाय cPanel, बिना cPanel के तो किसी भी वेबसाइट को मैनेज करना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। cPanel में यहाँ पर आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं, जिससे हम बहुत ही आसानी से अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। लाइट स्पीड वेब सर्वर मिल जाता है, Apache का अल्टरनेटिव है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेब सर्वर है। इसके अलावा फ्री मैनेज्ड माइग्रेशन है और मनी बैक गारंटी भी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो 30 डेज के अंदर आप क्लेम भी ले सकते हैं। अगर हम स्क्रॉल करें और यहाँ पर इनके प्लान्स और प्राइसिंग को चेक करें, तो इनका जो स्टार्टर प्लान है उसकी जो कॉस्ट है वह है 499 ईयरली। अगर हम इसे कैलकुलेट करें मंथली, तो आपको पड़ेगा करीब 41 रुपये, और यहाँ पर आप देखेंगे 499 रुपये में आपको क्लाउड होस्टिंग मिल जाती है, वो भी SSD के साथ। यहाँ पर आप सिंगल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, 1 GB क्लाउड SSD स्पेस मिल जाता है और अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से शुरुआती टाइम में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है प्लेटफॉर्म। अगर आप कम पैसे में क्लाउड होस्टिंग चाहते हैं और SSD को चाहते हैं, तो एक बार आपको यहाँ पर आना चाहिए। इससे पहले एक बार हम चलेंगे GT मैट्रिक्स पर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस स्कोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज स्पीड स्कोर, और अगर हम बात करें पेज डिटेल की, तो यहाँ पर इसकी आप पेज डिटेल की इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा इसे लॉगिन करते हैं, और आगे आपको मैं इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि फाइनली हम आ चुके हैं इनके अकाउंट्स पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस डोमेन को ऐड किया हुआ है। हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम चलेंगे सीधा cPanel की तरफ। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉग इन टू cPanel, सिंपली आप इस पर क्लिक करें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं cPanel पर, और cPanel के माध्यम से किसी भी वेबसाइट को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अगर आप शुरुआती टाइम में ब्लॉग या फिर वेबसाइट को रन करना चाहते हैं, तो आपके पास cPanel तो होना चाहिए, अदरवाइज आपको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर मिल जाती हैं, सिंपली वन क्लिक में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बिलिंग एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे यहाँ पर आपको डेटाबेस मिल जाता है, जहाँ पर आपको PHP माय एडमिन और MySQL डेटाबेस मिल जाता है। डोमेन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप डोमेन को ऐड कर सकते हैं, सब डोमेन को क्रिएट कर सकते हैं। नीचे साइड अगर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको वन क्लिक थीम्स मिल जाती हैं, वन क्लिक करके सीधा आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं।
सो फ्रेंड, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।